जो राजा कंस की याद आई, दोनों की घिग्गी बंद हो गई। देवकी कहने लगी, पिया छह लला भैया ने मार डाले, वो एक लला को इतना दुख नहीं भो, जब लला को देख के छाती सी फट रही है, चाहे हम तो भरू भैया के हाथ से मारे जा, जब लला को बचाए दे। बस देव कहने लगे, हाथ में हथकड़ियां, पान में बेड़ियां, दरवाजे पे दोहरे ताले, हाथ में भाला ले पहरे वाले, लला कैसे बची है। देवकी कहने की, पिया मुझे बात याद आ गई, गोकुल में तुम्हारे भैया रहा था नंद, नंद और बसदेव चाचा था उसके थे, ये दिमाग में रखना भाई, नंद के चाचा के लड़का है बसदेव। कान लगी, देव की बड़े लला को दीदी रोहिणी पाल रही है, यथाती जसोदा को सौंपाई हो, जसोदा हमारी लला को पाल ली है। सोई हाथन की हथकड़ियां, पान की बेड़ियां चट चट टूट गई। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। अंधेरे में टटोलन लगी, मैया टूटो बसू को मिल गो, कम्बल फाड़ के बिछाए दो, गोविंद को लिटाए दो। जब ये सूप बसदेव को दो तो देवकी कन्हैया के ओठन को चूम लो, जाओ लला तुम नीके रही हो और सियाने हो जा, जब मैया की जेल कटवा जाइए। बसदेव जी चले, जेल के फाटे खुले हैं, ताले चटके पड़े हैं, पहले रात दीवारों से चिपके खड़े हैं। गोकुल में पहुंचने के लिए यमुना को पार करना है। बसदेव जी यमुना में घुस गए। यमुना मैया सोचने लगी, कोरे कोरे जा रहे, आजा अब भगवान गोकुल को लेके जा रहे हैं बसदेव जी। भगवान की झांकी आ रही है, जो दर्शन करना चाहो करो और बाल कृष्ण भगवान पर न्यौछावर करो। कन्हैया की झांकी आ रही है, बाल कृष्ण भगवान के दर्शन करो। यमुना मैया पैर छूने को ऊपर बढ़ रही है। अरे चढ़ आई रसिया, आपत देखो तो अचकी चढ़ी आई रसिया, चढ़ आई रसिया, आपत देखो तो अचक चढ़ी आई रसिया। भगवान आ रहे हैं, आई रसिया अचक चढ़ी आई रसिया, आवत देखो तो अचक चढ़ी आई रसिया। भगवान की झांकी आ रही है, दर्शन करो गोविंद के। यमुना मैया ऊपर बढ़ रही है, आगे बढ़ू यमुना गहरी, आगे बढ़ू तो यमुना गहरी, नाभि से आ गई, छाती से आ गई, गला डूबने लगा। आगे बढ़ू यमुना गहरी, आगे बढ़ू तो यमुना गहरी, पीछे देखे ठाड़ो के हरी, पीछे देखे तो ठाड़ो के हरी। ले बस देव चले गोकुल को आदि रसिया, आवत देखो तो अचकी चढ़ी आई रसिया, आवत देखो तो अचक चढ़ी आई।
आगे न बढ़न देगी, क्या किया मेरे प्रभु ने। तब उन प्रभु ने पैर लटकायो, तब उन हरि ने पैर लटकायो, यमुना जी ने स्पर्श पायो, यमुना जी ने स्पर्श पायो, यमुना तलबों के नीचे आ गए। बसदेव जी निकल गए, यशोदा रानी के आंगन में गए तो देखा यशोदा सो रही है और एक कन्या पैदा हो गई वो चुप पड़ी है। बसदेव ने गोपाल को लिया है, मैया से लिटा दिया और कन्या लेकर दबे पान निकल आई। सभी मैया बहने बैठ जाएं, जो खड़ी बैठ जाएं। मेरे भाइयों, जो चार बजे मैया यशोदा ने कर बट लई कन्हैया कुल बुलानो, सारी गोकुल में हल्ला मच गयो। यशोदा ने बुढ़ापे में लला करो, आंगन भर गया, बधाई बनने लगी। मेरे भैया बाबा नंदन गर्गाचार्य जी को बुलाकर दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार करवाया। ये बार लड़की को लेके बसदेव जेल में गए, जो देवकी को लड़की थी रोने लगी। बारिया हीरो औलाद बहुत देखी, ऐसी औलाद ये नहीं देखी हमने। मेरे भाइयों, कंस ने जाते जाते देवकी गोद में से बच्ची को छीन लिया, जो पत्थर पर पटकना चाहा
हाथ में झटका लगा, लड़की चंचला बन के आसमान को चली गई। आसमान में चिल्ला कर कहा चंचला ने, ओ अभिमानी ओ मतवाले, जन्म हो चुका है तुझे मारने वाला, गोकुल में पैदा हो गया, कंच को खोपड़ी खोपड़ी पकड़ के बैठ गया। बोल छे निर्दोष बच्चा उसके मस्तिष्क से घूमने लगे। बहन बहनों की आतंक की हथकड़ियां, पान की भेड़ियां तोड़वा दी है। बहनाएं ध्यान दे ले, बहनाएं कल गोवर्धन भगवान का पूजन होगा, सभी बहनाएं दही दूध खीर पूरी पुआ बना के लाएं और गिरिराज भगवान का